भाव कृष्ण गुणार चरण पधारो मान के यास नहर तैयार। नमो नमो गुरुदेव को कृष्ण स्वरूप अनूप पार ब्रह्म परमेश्वरा पूरन आत्म रूप सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहा गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर राम जय जय राम श्री प्रभु राम जय श्री राम। हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरि प्रबोधनी देवोत्थानी एकादशी है। देवशयनी पद्मा एकादशी दिन जो विष्णु भगवान सुलाए जाते हैं उन्हें हरि प्रबोधनी एकादशी दिन जगाया जाता है, अतः इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत का संवाद सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुआ, पुनः इस एकादशी के व्रत और महत्व का संवाद भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच हुआ है। फिर व्रत कथा व्रत दी एकादशी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच और स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद धूप दीप पुष्प बन और नवेद से भगवान की पूजा अर्चना करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु आज मैं आपका हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करूंगी, आप मेरे व्रत की रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी छोड़कर नाना प्रकार के पुष्पों फलों और अगरबत्ती धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस दिन शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से समर्थ तीर्थ दान आदि के करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। एकादशी दिन भगवान नाम का जप स्मरण ध्यान कीर्तन सब ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। रात्रि को भगवान के सम्मुख संकीर्तन नित्य तथा भगवत कथा आदि साधनों से व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निमित्त होकर केशव भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की समाप्ति पर वेद पाठी धर्म परायण सत्यनिष्ठ और सदाचारी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। देखो स्पष्ट कहा गया है कि दान हमेशा उस व्यक्ति को देना चाहिए जो कि दान को लेने के योग्य हो। ऐसा लोग हमने जिसको पैसा दिया उस पैसे से जाकर शराब पी ले या तो क्या करेगा, अपने घर में कलेश करेगा। तो जितना हमने दान करके पुण्य कमाया उससे दुगना हमको पाप प्राप्त होता है। तो हमेशा दान किसी ऐसे मनुष्य को करना चाहिए जो उसके योग्य हो, तो जो कि वे पार्टी भगवान को मानने वाला हो, धर्म परायण हो, धर्म के रास्ते चलता हो, सत्यनिष्ठ सच बोलने वाला हो, सदाचारी जिसका आचरण अच्छा हो। अगर आचरण अच्छा नहीं तो हमारा दान देना व्यर्थ चला जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में जिस वस्तु का त्याग करते हैं उस वस्तु से उन्हें उस दिन की पुनः ग्रहण करना चाहिए। अब पता है कि प्रबोधनी एकादशी की कोई भी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को नहीं सुनाई है। इस एकादशी की व्रत विधि और महत्व का ही केवल चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने हरि प्रबोधनी एकादशी का जो महत्व बताया है वो बड़ा ही अद्भुत अनंत और अक्षय है। कहते आज की जो एकादशी है उसका महत्व है कि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है कि एकादशी के दिन जो भगवत कथा को सुनते हैं उन्हें सातों दीपों के दान का फल मिलता है। तीसरा है प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत जितने पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए हर प्रकार के पापों को यह व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी की रात्रि को कीर्तन नृत्य आदि से भगवान के समूह जागरण करते हैं उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां भगवत धाम में जाकर वास करती हैं और नरकों में अनेक प्रकार के दुखों को भोगती हुई दुरात्माएं मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाती हैं। सभी पुण्य कर्मों के फल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से करने वाले घर में निवास करते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत करते हैं वे महान योगी तपस्वी और इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं क्योंकि वो एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन कदम फूल से भगवान की पूजा करता है वो यमपुरी के दुखों से छूट जाता है। गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करने वाले सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन जो प्राणी भगवान के आगे सफेद और लाल कनेर के फूल चढ़ाते हैं उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शमी पद से पूजा करने वाले यमराज के भयानक मार्ग को पार कर जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी दिन चंपक फूलों से भगवान की पूजा करने वाले आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य पीले और लाल रंग के सुगंधित कमल फूलों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें श्वेत द्वीप में स्नान मिलता है।
प्रबोधनी एकादशी के बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य कार्तिक मास विशेषकर प्रबोधनी एकादशी दिन श्री तुलसी जी द्वारा भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में श्री तुलसी जी का दर्शन करते हैं वे 1,000 युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ आज के दिन लगाते हैं उनके वंश में कोई भी निसंतान नहीं होता है। आज के दिन जो तुलसी का पेड़ लगाता है उसका वंश हमेशा हमेशा चलता रहता है, उसके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि उसकी बहू की बच्चा ना हो। तो जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदा फलता फूलता रहता है। श्री तुलसी जी का पौधा जिस घर में होता है वहां सभी देवताओं का निवास रहता है। जो प्राणी तुलसी जी के पौधे के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं उनके हृदय में प्रभु प्रीति का प्रकाश फैलता है। जो प्राणी श्री शारी राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु कभी नहीं आती है। सब व्याधियां नष्ट हो जाती है और वे पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। इसी एकादशी के मार्ग में भगवान कहते हैं कि जो चतुष्माल व्रत में मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। तेल का त्याग करने वाले को घी का त्याग करने वाले को दूध और अन्न का त्याग करने वाले को चावल का दान करना चाहिए। बालों को धारण करने वाले को शीशा दान करना चाहिए और जो चतुर्मास व्रत में जूता नहीं पहनता उसे जूता दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में नित्य प्रतिवेद मंदिरों में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी तथा भक्ति सहित दान कर देना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विधान के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वो नरक में चले जाते हैं। तो जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत महात्मा को श्रद्धा भक्ति से पढ़ता सुनता है उन्हें अनेक गौओं के दान का फल मिलता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। ओम जय एकादशी माता मंगल जय एकादशी माता तेरा व्रत हरि पूजन तेरा व्रत हरि पूजन सुख संपत्ति दाता। ओम जय एकादशी माता सभी व्रतों में श्रेष्ठ तेरी महिमा भागी तेरी महिमा।
तीर्थो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के दिन ये शंख है, शंख में जल भर कर ऐसे और लेके अपना तुलसी ऐसे चढ़ा देना, कहते मेरे बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल, तो आज दिन में बेटे के ऊपर तुलसी जी की कृपा बनी रहे। अभी जाए थे मैं तो सब चढ़ा वढ़ा के आई हूँ।